दोस्तों कर्मा म्यूजिक बजाना सीखते हैं अपने बेंजो के ऊपर। ओरिजिनली जो गीत है बेंजो के ऊपर ही बजा हुआ है, इसलिए आपको इसमें बजाने में और मज़ा आएगा। अभी ये जो गीत है अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करें तो मुश्किल भी बिल्कुल नहीं है, अगर आप इसको सही तरीके से समझें और वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं बेंजो के ऊपर बजाना, और दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जो गाना है वो ओरिजिनली सही तरीके से सुना हुआ होना चाहिए, जो म्यूज़िक है वो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में म्यूज़िक कैसा है, तभी आप इसमें सही बजा पाएंगे। जैसे कि हमें पता है म्यूज़िक काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए आपको रख रख से पता है कि एक्चुअल में जो म्यूज़िक है वो किस तरीके से बजता है। अगर आप इस पर कुछ गलत बजाओगे तो भी आपको पता होना जाना चाहिए कि हाँ मैंने गलत बजाया, तभी आप सुधार कर पाएंगे। दूसरी चीज़ समझने वाली, बैंजो आपका सही तरीके से ट्यून होना चाहिए। बैंजो ट्यून, अभी मेरा वाला जो बैंजो है वो किस तरह ट्यून है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आप अगर देख के बजाएं तो आप सेम इसी तरीके से हम सुर में मैच हो। सबसे पहले जो मेरा ओपन है वो ट्यून है ए शार्प के ऊपर, बेस तार भी ट्यून है ए शार्प के ऊपर। ओपन ओपन का मतलब है कि अगर मैं किसी भी बटन को ना दबा रहा हूँ उस समय तार को स्ट्राइक करते समय कौन सी आवाज़ आती है, उसे हम कहते हैं ओपन। ठीक है, तो मेरा ओपन ट्यून है ए शार्प, बेस तार भी ट्यून है ए शार्प। मेरा झाला ट्यून है एफ शार्प स्केल के ऊपर। ये देखिए थोड़ा सा लो जा रहा है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, एक सेकंड। आप भी इस तरीके से सही कर सकते हैं, जो चाबियां होती है उनके थ्रू। बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कर्मा धुन की जो चार लाइन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार लाइन है जो म्यूजिक है उसकी। एक एक लाइन को एक एक बार में समझते हैं, फिर चारों को एक साथ मिला के आप बजा सकते हैं। तो एक एक लाइन को एक एक बार में सीखिएगा अगर शुरुआत में मुश्किलात हो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें नंबर के नोट से शुरू करेंगे। पहली लाइन कुछ इस तरह, दूसरी लाइन, तीसरी, सबसे लास्ट में। ठीक है, सिंपल सी ये चार लाइन है, एक एक लाइन करके समझनी है। पहली लाइन हम शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें नोट से शुरू कर रहे हैं। मैं एक एक फिंगर से बताऊंगा तो नोट है ना वो झूलेगा, इसलिए आपको बहकी बहकी आवाज आएगी। तो हम एक एक फिंगर से तो नहीं, लेकिन मैं स्लो में आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जंप कर देना है अंगूठे से अपने इस नोट के ऊपर, और फिर उसको प्रेस किए हुए रखना है, और फिर राइट हैंड में 6 बार स्ट्राइक करना है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इजी है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अब पूरे को एक लाइन को एक साथ हो गया, बस इतना ही आसान था। फिंगर पोजीशन ठीक रखिएगा, सब सही हो जाएगा। चलिए ये तैयार हो गया, आप चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। यहीं पे हाथ रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नोट यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 5, हम शुरू कर रहे हैं हाई ऑक्टेव के यहाँ पे इस नोट से। वही अंत वाले नोट के ऊपर 6 बार ट्राई करना है। पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों को एक साथ बजाते हैं, फिर अब तीसरी लाइन। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, इन चार नोट का यूज हो रहा है। फिंगर पोजीशन भी देख लेते हैं, इन चार उंगलियों को यूज करना है। सबसे पहले पहली उंगली, फिर दूसरी, और इधर तीसरी, और इधर अंगूठा, इस तरह। ठीक है, और फिर चौथी लाइन, 1 2 3 4, सिर्फ चार नोट का यूज, बड़ा आसान है। ठीक है, चारों लाइन को दोस्तों एक बार साथ में बजा लेते हैं धीरे धीरे। अंततः बेस तार मेन तार दोनों के साथ में, हो सके तो मेरे साथ में बजाइएगा, धीरे धीरे बजाएंगे। ठीक
लीजिएगा, मेन तार को एक बार पहले प्रायोरिटी देके स्ट्राइक करना है, मेन तार पे बज जाए फिर बेस तार को लीजिएगा, और उसके बाद में ही झाला को लीजिएगा। सबसे पहले मेन तार के ऊपर ही धुन को और अपनी अंगुलियों को बिठाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो म्यूजिक का दूसरा पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको देख लेते हैं। और एक्चुअली वो बेस तार पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरह। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं और देखते हैं। अब अंततः बड़ा क्यूट है, एक बार फिर से। और वापस वही म्यूजिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप 6 बार 12 बार जितने चाहे उतने बार स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली आपका जो कर्मा म्यूजिक है पूरा हो गया। अब दिल दिया जहां भी देंगे आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली आपका जो यहाँ पे मेन हमारा कर्मा म्यूजिक सीखना था, अगर आप चाहें तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम जो दिल दिया जहाँ भी देंगे उसका भी ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर ले आएंगे। शुरुआत में मुश्किल होगी आपको, एक तो पिक को बजाने में ऐसे साउंड बड़ा अजीब आएगा शुरुआत में, क्योंकि एक्चुअल में नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, तारों से बजता है। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तारों के द्वारा साउंड होता है तो उसमें बहुत सारा कंट्रोल आपके फिंगर के ऊपर रहता है, भले वो राइट हैंड हो और लेफ्ट हैंड हो, और कंट्रोल आता है अनुभव से। तो जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे सफाई से आप और बजाएंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो धन्यवाद, नीचे कमेंट करके बताइएगा आने वाले वीडियो में कौन से गाने का ट्यूटोरियल लाएं, और कोई भी छोटे से छोटे डाउट है बैंजो के लिए तो नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में सॉल्व उसको कर लेंगे। अगर आपको बैंजो चाहिए, अगर आपके पास बैंजो है नहीं फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मुझे नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर ले सकते हैं। हम बैंजो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, बैंजो भी बनाते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके पास भी हमारा बैंजो हम भिजवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेन गाने को सीखिए और इसी तरीके से लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।